सो गाइज, मॉर्निंग में मैं ना एक ड्रिंक स्टार्ट की हूँ अपना, एक स्मूदी ब्रेकफास्ट लेती हूँ, एक मैं ड्रिंक कंटिन्यू कर रही हूँ और एक मैं ब्रेकफास्ट कंटिन्यू 20-25 दिन से स्टार्ट की हूँ, वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग देख सकते हैं बालों में काफ़ी ज़्यादा थिकनेस आई है, बालों की लेंथ भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है और ये हमारा लॉन्ग हेयर जो चैलेंज चल रहा है इसके गजब के रिजल्ट्स हैं। अगर आप कंटिन्यूसली इसको अच्छे से फॉलो करते हैं कुछ ही दिनों में आपके बाल भी कुछ इस तरीके से होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके सर पे बहुत सुंदर बहुत सारे बाल हैं ना तो आपकी खूबसूरती में वो चार चांद लगाने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे बाल बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के हमने अपने बालों को कितना खूबसूरत बनाया है। तो आप लोग के साथ में आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ हेयर मिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या है आज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाशी ब्यूटी हेयर मिस्ट। मैं हूँ सीमा, आप लोग के साथ में आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपने चैनल पर हेयर मिस्ट। हेयर मिस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, वर्किंग हैं, जो लोग अपने बालों की केयर प्रॉपर टाइम घर पर दे करके नहीं कर सकते हैं, वो मिस्ट लगा कर जा सकते हैं, जिससे कि अपने बालों को एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऑयल दे रहे हैं, उनको डाइट दे रहे हैं पूरा प्रॉपर। थोड़ा सा कॉस्टली है, जिनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता है वो हमारी जो नॉर्मल वीडियोज हैं उनको देख करके कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ लॉन्ग हेयर स्पेशल आपका सीरीज का हेयर मिस्ट। बहुत ही अच्छा है, बालों की थिकनेस इतनी अच्छे से इसमें इम्प्रूव होती है। मैं आप लोग को अभी अपने बालों की जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं वो लगा दूंगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है जब आप अपने बालों की डे बाय डे केयर करते हो, मेहनत करते हो, तो रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिनों में दिखना शुरू हो जाते हैं। शर्तें यहाँ पर ये हैं कि आपको मेहनत करना है, दैट्स इट। आप मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट्स आता है। क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज हमने दही की रेमेडी लगा ली, आज हमने मेथी लगा लिया, आज हमने ब्राह्मी पाउडर लगा लिया, आज हमने शिकाकाई आंवला रीठा ये लगा लिया, कल हमने सतावरी पाउडर लगा लिया, कल हमने दसमोला पाउडर लगा लिया, हमारे बाल अब नहीं झड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता। आपके बाल क्या है, पतझड़। जैसे एक पतझड़ का मौसम आता है उसमें देखिए आप कितना हैवी पेड़ जो होता है ना वो गिर जाता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वो नया ग्रो करता है। क्यों करता है? क्योंकि यही कुदरत है, यही चीज आना और जाना है। जब कोई चीज आई है तो वो जाएगी भी और फिर से आएगी, है ना। तो इसी तरीके से आपके बाल भी हैं, जो गिर रहे हैं उनको गिर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है। आप अच्छे से चीजों को फॉलो कीजिए। जब आप चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो जो बाल आपके गिर रहे हैं, जो बाल आपके टूट चुके हैं, जो बाल आपके कमजोर हो चुके हैं, वो फिर से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। आपको फोकस करना है डाइट पे। अभी आपका विंटर स्टार्ट होने वाला है, मैं आप लोग के साथ में अपनी थोड़ी सी डाइट बता देती हूँ जो मैं नवंबर से स्टार्ट करूंगी। इस पे वीडियो चाहिए होंगी तो शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। एक तो पम्पकिन सीड आपको ऐड करना है, दूसरा आपको हेजल नट ऐड करना है, ब्राउन आप लोग को यहाँ पर आलमंड जो आते हैं, देखिए आलमंड दो तरीके के हैं, एक तो छोटे होते हैं, एक थोड़े से बड़े होते हैं। जो छोटे साइज के होते हैं ना उनका मैं सेवन कर रही हूँ, मैं उनको इंटेक करती हूँ, लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस दिख रहा है अपने बालों में, आप वो ले सकते हैं। दूसरा आपको ब्लू बेरीज ऐड करनी है अपनी डाइट में, आप स्मूदी में ऐड कर सकते हैं, आप अपने लिए पुडिंग बना सकते हैं, आप अपने लिए जब खीर बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ओट्स की, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो हमारा हेयर मिस्ट है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को मैं मिस्ट लगा करके भी दिखा रही हूँ और आप लोगों ने मेरे गीले बालों को भी देख लिया और ड्राई हेयर को भी देख लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 से 1.5 ग्लास पानी लेना है, आप ज़्यादा भी बनाकर इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको डालना है दालचीनी। दालचीनी विंटर में बहुत बढ़िया रहती है, सिनेमनास्टिक इसको बोलते हैं। आप लोग को मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ अनियन सीड, यानी कि आपका कलौंजी और मंगरेल, ठीक है, एक ही चीज़ें हैं। अब इसको क्या करना है, आपको टीस्पून का प्रयोग करना है और 4 से 5 टीस्पून हम इसमें डाल देना है, ठीक है। ये मिस्ट इतने अच्छे से आपके बालों की नई ग्रोथ करता है ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में आपके सर पर बाल दिखना शुरू हो जाएंगे, रीग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। देखिए क्या होता है ना, जब बाल्डनेस की समस्या होती है या फिर एलोपेशिया होता है ना, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक। उसके बाद से हम इसमें यूज़ करेंगे पर्सली। पर्सली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो गंजे सिर पे भी बाल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपका ये पूरा ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे आजकल बहुत पसंद आ रहा है पर्सली, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोग के साथ में अपना रूटीन शेयर किया है, इसलिए मैं आप लोग के साथ में जो भी चीज़ें कर रही हूँ वो सारी चीज़ें डाल रही हूँ। इन फ्यूचर आप लोग ये ना कहें कि आपके बाल कितने अच्छे हो गए हैं, आपने क्या यूज़ किया है। अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हैं मुझे कि आप कौन सा तेल लगाती हैं, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं। तो भाई आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल और आप लोग को पता ही है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ और क्या नहीं, ठीक है। मेहनत होती है, एक दिन में आपके बाल इतने मोटे घने लंबे सुंदर नहीं हो जाते हैं, आपको मेहनत लगती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अभी अगर आपने कभी भी अपने बालों में रिबॉन्डिंग, बोटॉक्स,
केराटिन ट्रीटमेंट स्ट्रेटनिंग नहीं कराई है ना, तो ये रेमेडीज आपके बालों में ना जादू की तरह काम करती हैं, क्योंकि आपके बाल जो है ना बिल्कुल कुछ यूज़ किए हुए नहीं होते हैं, वर्जिन हेयर होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके जो बाल है ना वो इन सब चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं और ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है ना वो बूस्ट होना शुरू हो जाती है। तो बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो लोग अब कराना चाहते हैं, भाई आपका करवा चौथ आ रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ना कराएं, अपने बालों के साथ गेम मत कीजिए। क्योंकि मेरे पास आज बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, कम से कम 60-70 लोगों के मैसेज ये आए थे कि दीदी हमने स्ट्रेटनिंग कराई, मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, दीदी हमने रिबॉन्डिंग कराई है तब से हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, हमने ग्लोबल करवाया है तो भी हमारे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं। तो आप लोग के लिए मैं स्पेशली हेयर हाइलाइट्स की वीडियो शेयर कर दूंगी, आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो लिक्विड है ना अच्छे से क्या हो गया है, पक चुका है, ठीक 7-8 मिनट के लिए इसको पका लेना है, और पकाने के बाद से आपका जैसे 1.5 गिलास पानी है ना वो तो सिर्फ 1 गिलास रह जाएगा, ठीक उतना आपको पकाना है। उसके बाद इसको आप स्टेन कर लीजिए, जो इंग्रेडिएंट्स हमारे बच गए हैं ना इसको हमें छान लेना है, छान करके सेव कर लेना है। सेव करके आप इसको दही में 1-2 दिन बाद दही में मिक्स करके पीस करके बना करके यूज़ कर सकते हैं एज अ हेयर पैक। आधे घंटे लगा लें ऑयल लगे हुए बालों पर, और उसके बाद से आप शैम्पू कर दें। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं या वीडियो को आगे भगा भगा करके देखते हैं, इससे क्या होता है आपको हर एक चीज़ के बारे में पता नहीं लगता है कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ खादी का आर्गन ऑयल, सारी ही चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये जो हमारा पानी रेडी हुआ ना सिर्फ इसमें आपको केवल बादाम का 2 बूंद तेल डालना है और 1 बूंद आपको ग्लिसरीन डालना है, आपका जो मिस्ट है वो बनकर रेडी है। ये जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में ये सारी ही चीज़ें ऑप्शनल, जो भी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सारी ही चीज़ें ऑप्शनल हैं। मैंने डाला है फर्स्ट 1 बूंद आर्गन ऑयल, दूसरा डाला है जोजोबा ऑयल 2-3 बूंद, उसके बाद मैं डाल रही हूँ एवोकाडो ऑयल 2-3 बूंद। जब भी मैं अपने बालों में ना स्मूथिंग हेयर पैक यूज़ करती हूँ या फिर लेप यूज़ करती हूँ तो मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग करती हूँ अपने बालों में, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा ग्रेप सीड ऑयल। आप इन सारे ऑयल को लिस्ट बना करके सेव कर लीजिए, जब कभी आप ट्रैवल पे जा रहे हैं ना तो आप इन ऑयल को मिक्स करके लेके जा सकते हैं, क्योंकि ना ये लाइट वेट ऑयल होते हैं, ये इजी वे में बाहर में अच्छे से आप होटल वगैरह में वॉश कर सकते हैं हेयर को। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ एसेंशियल ऑयल में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की 20 ड्रॉप्स, ठीक। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो कितनी यूज़ करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप यूज़ करते आ रहे हैं तो कितनी ड्रॉप यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तुलसी का तेल, ठीक है। तुलसी का तेल आता है आपका मार्केट में एसेंशियल ऑयल, इतना बढ़िया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, रिग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप तुलसी का जो जूस होता है ना उसको भी अपने स्कैल्प में लगा सकते हैं उबाल करके, वो भी रिग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने जो डाला है एसेंशियल ऑयल वो है रोजमेरी। आपको ये सारी ही एसेंशियल ऑयल 10-10 बूंदें डालनी है और आपका जो मिस्ट है बनकर रेडी है, उसको आप प्रयोग में लें। देखा आपने हमारा जो हेयर मिस्ट है बनकर के रेडी हो चुका है। और आप लोगों को लास्ट डाइट एक चीज और बता दूं, हेजल नट आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना है, और इनको आप ऐड करके देखिए पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी ये आप कंटिन्यू रखिए, इतने महीने तक आप देखेंगे अपने बालों में डिफरेंस और अपने बालों में थिकनेस, आप खुद कहेंगे कि सीमा जी सच में बहुत अच्छी चीजें आपने बताई। क्योंकि देखिए हम इंटरनल भी काम कर रहे हैं और एक्सटर्नल भी काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमें 2 गुना फायदा मिलेगा अपने बालों में। और जब आप बालों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ना तो आपकी स्किन जो है ना ऑटोमेटिक सुंदर हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाय।